गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एस एस सब्जेक्ट चैप्टर 8 दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू COVID-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ए कैरेक्टर नेम भगवती बैन हु वेंट ए टूर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी एंड गेट information about the rulers of Delhi and discuss in her classroom. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने भगवती बहन के बारे में पढ़ा था, जो एक कैरेक्टर थी जिसने अपनी डायरी में जो है रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में लिखा हुआ था और अपनी क्लासरूम में डिस्कस कर रही थी. और उसके बाद क्या क्या चीज़ें वो डिस्कस कर रही थी उसके बारे में हम देख रहे थे कि दिल्ली में उस समय पर कौन राज किया करता था उसके बारे में, जो मेडिवल पीरियड की बात है, ठीक है, ना कि बहुत पुराना ना कि बहुत नया, ठीक है. तो स्लेव डायनेस्टी क्या है? तो स्लेव डायनेस्टी का मतलब होता है गुलाम डायनेस्टी, यानी गुलाम समाज. ये सब के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे कि दिल्ली में उस समय पे बिगिनिंग के 13th सेंचुरी में गोरी लोगों का राज था और गोरी के डेथ के बाद जो है उसका एक कमांडर जो था वो राजा बन चुका था और यहाँ से ही जो है गुलाम समाज की शुरुआत हुई थी, ठीक है. और उसके बाद पहले कमांडर के बाद उसके जो दामाद थे इतुतमिस जो है वो राज्य को संभाल रहे थे और उन्होंने एक मीनार भी बनाया था जिसका नाम था कुतुब मीनार और वो मीनार जो है वो हिंदू और मुस्लिम स्टाइल से बनाए गए थे, ठीक है. द प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सुल्तानेट एज. तो इतुतमिस की बात करें तो इतुतमिस के से ही जो है स्लेव डायनेस्टी की और अच्छी शुरुआत हुई थी और उसने बहुत सारी जगह जो है इंडिया में जीत चुकी थी और उसके बाद वो दिल्ली सुल्तान का सुल्तान राज्य का जो है वो सल्तनत का एक पार्ट बन चुके थे, ठीक है. सो इसीलिए यानी इतुतमिस ने जो है दिल्ली का राज्य और भी बढ़ाया था, इसी की वजह से जो है उन्हें गुलाम समाज का जो है फाउंडर भी कहा जाता है, ठीक है. और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना और उनकी डेथ के बाद उसने वो चीज़ को संभाला था, ठीक है, यानी वो राज्य को संभाला था 1236 में. और रजिया एक पहली ऐसी फीमेल रूलर थी जो सुल्तान बनी थी दिल्ली में, ठीक है. और रजिया जो थी वो बहुत ही अच्छी अच्छी जो थी सुल्तान बनी थी और वो ना हमेशा पहले जो है आदमी के पोशाक में रहती थी और बाद में जब उसका पता चला कि रजिया जो है वो एक आदमी नहीं है, वो एक औरत है, तो फिर किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है. और रजिया को हटाने वाला कौन था? तो आमिर उमराउस, ठीक है, क्योंकि वो रजिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इसीलिए रजिया को जो है रजिया की सच्चाई जो है सबको उसने बता दी और उसके बाद रजिया को जो है उसके राज्य से निकाल दिया गया, ठीक है. और उसके बाद 6 साल तक जो है वो राज्य पूरी तरह से हिल चुका था, ठीक है, रजिया के डेथ के बाद. और फिर आमिर ने नसरुद्दीन जो इतुतमिस के लड़के थे वो वहाँ पे राज कर रहे थे, ठीक है, 21 साल तक. और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन राज करने लगा दिल्ली में और उसके बाद पूरी तरह से जो है वो राज्य डिसऑर्डर होने लगा, यानी सही तरह से संभलने लगा, ठीक है. और उसी के बाद जो है सुल्तान बलबन जो है 22 साल तक वहाँ राज कर चुके थे और उसके बाद जैसे ही वो राज्य बहुत कमज़ोर हुआ तो खिलजी समाज वाले वहाँ पे आ गए और वहाँ पे राज करने लगे, ठीक है. और बलबन के 4 साल के अंदर ही जो है खिलजी समाज वालों ने जो है पूरी तरह से दिल्ली में राज बढ़ा दिया था. और खिलजी वाले कौन थे? तो अफगानिस्तान के खिलजी जगह पे जो तुर्क समाज के लोग थे उन्हें ही खिलजीस कहा जाता था. और सबसे पहले जो खिलजी राज करता था जिसने गुलाम समाज को ख़त्म किया था उसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है. और फिर जलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है 1296 सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी जो थे जो उसके भांजे भी थे और साथ ही साथ में क्या थे तो सन इन लॉ भी थे, ठीक है, यानी दामाद भी थे और उसके बाद उन्होंने वो गद्दी को संभाला था, ठीक है. और अलाउद्दीन खिलजी ऐसे एक राजा थे जो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखते थे और जो भी चीज़ वो चाहते थे वो पाके ही रहते थे, ठीक है. और उन्होंने एलेमास और उमराउस को जो है पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ था. और खिलजी के समय पे यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे कड़क नियम भी बनाए थे जिससे प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहती थी और लोगों को जो है खाना मिलता था. और उनके ही दरबार में एक कवि भी थे जिसका नाम था आमिर खुसरो, ठीक है. और उसने बहुत ही चीज़ों के बारे में लिखा था, ठीक है, बहुत ही यानी उस राज्यों के बारे में भी लिखा था. और देयर वॉज कम्प्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ. और जैसे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई उसके बाद जो है वो राज्य पूरी तरह से डामलडोल हो गया और उसके बाद जो है कौन आ गए तो तुगलक डायनेस्टी वाले आ गए. खिलजी समाज को पूरी तरह से उन्होंने हटा दिया और तुगलक समाज की वहाँ पे
पाया जो है वहाँ पे मजबूत कर दिया। ठीक है, और तुगलक समाज की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो तुगलक समाज को बनाने वाला था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने अलाउद्दीन की खिलजी के डेथ के 4 साल के अंदर ही जो है तुगलक समाज बना दिया था। और उस समय पे जो है पोस्टल सर्विस शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो है उस समय पे जो है लेटर्स जो है वो कौन लेके आते थे, पोस्टमैन लेके आते थे, मगर किससे, तो हॉर्स से। ठीक है, और उस समय के पोस्टमैन को हलकारो भी बोला जाता है और उसके अलावा राजदार भी बोला जाता है, मगर हलकारो जो है वो ज़्यादा जाना जाता था, मगर सौराष्ट्र में राजदार जो है वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक जो है गियासुद्दीन के बाद राजा बनते हैं, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए होते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ठीक है, और उसी की वजह से जो है कैपिटल जो दिल्ली का होता है ना वो बदल जाता है। ठीक है, और दौलताबाद में पहुँच जाता है, और उसी के समय पर जो है तांबे के सिक्के जो है बनाए गए थे ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक इब्न बतूता। देखो, जब मोहम्मद तुगलक राज कर रहा था उस समय पे एक अफ्रीकन ट्रैवलर आया था, जो कहाँ से था, तो हफ्सी ट्रिप से था, और कौन सी जगह से आया था, तो टांगियर से। ठीक है, और उसका नाम था इब्न बतूता, और वो इंडिया में घूमने आया था, और इंडिया में घूम के जो है उसने सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सुल्तान लोग किस तरह से राज्य को चला रहे उसके बारे में उसने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, और उसमें बताया था कि मोहम्मद शाह जो राज्य कर रहे हैं उसमें कॉम्बिनेशन है, यानी कुछ चीज़ें यानी कुछ ऐसे नियम जो है वो बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे नियम जो है बहुत ही ख़राब थे। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, इब्न बतूता ने अपनी बुक में वो सब चीज़ें लिखी थी। अब आता है हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर की बात करें तो विजयनगर से हमको एक चीज़ याद आती है कि कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव से तेनाली रामा का हमको याद रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड देयर वाज अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया। तो देखो, जब भी सुल्तान लोगों का राज चल रहा था यानी मुगल लोगों का राज चल रहा था, उस समय पे जो है वो क्या चाहते थे कि साउथ इंडिया में भी जो है उनकी जगह हो, और उसमें यानी साउथ इंडिया में सबसे पहले अटैक करने वाला कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, और उसने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी लूटी थी, जो जगह का नाम था देवगिरी। ठीक है, देवगिरी से साउथ इंडिया में जो देवगिरी जगह है उस जगह से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत खजाना लूटा था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का एक वजीर था जिसका नाम था मलिक कफूर, और उसने वरंगल के राज्य को पूरी तरह से ख़त्म किया था। ठीक है, द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्जन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय पर जो है साउथ इंडिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और उसके बाद जो है साउथ इंडिया में दो राज्य बनाए गए थे, एक थे विजयनगर और दूसरा था ब्रह्मनी सुल्तानेट। ठीक है, और जैसे ही वारंगल का राजा हार गया था उसके बाद दो भाई जिसका नाम था हरियारा और भूपा। ठीक है, उन लोगों ने अपना राज्य वहाँ पर डाला था और उन्होंने विजयनगर राज्य को बसाया था। ठीक है, किसके इंस्पिरेशन से, तो स्वामी विद्यारंगा के इंस्पिरेशन से उन्होंने विजयनगर राज्य बनाया था। ठीक है, और जो कहाँ पे था, तो तुंगभद्रा नदी के आसपास था, और ये कब बनवाए गए थे, तो 1336 सेंचुरी में बनाया गया था, और 8 साल के अंदर ही जो है वो राज्य रिवर तुंगभद्रा से लेकर कन्याकुमारी तक फैल गया था। ठीक है, और ये सब कब हुआ था, जब हरियारा राजा बने थे तब। ठीक है, और उसके बाद बुका को जैसे संभालने दिया गया उसके बाद ये राज्य थोड़ा कमज़ोर हो गया। ठीक है, और उसके बाद कृष्णदेव राय आए, तो कृष्णदेव राय इस समाज के सबसे पावरफुल राजा कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा चालाक हुआ करते थे, और उनके दरबार में बहुत सारे ऐसे लोगों को भर्ती करके रखा था कृष्णदेव राय ने, क्योंकि कृष्णदेव राय भी जो थे वो आर्ट लवर थे, यानी उन्हें कलाएँ बहुत पसंद थी और उसका वो आनंद लेते थे, और इसी तरह से उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे यूरोपियन कंट्री के साथ भी। ठीक है, और कृष्णदेव राय के समय पे जो है उन्होंने बहुत सारे कैनल्स भी बनाए थे साउथ इंडिया में, किसकी मदद से, तो एक इंजीनियर की मदद से जिसका नाम थे योमके। ठीक है, योमके के मदद से जो है बहुत सारे जो है कैनल्स बनवाए थे, और फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैज अप्रिसिएटेड इट 10 times, और कोई भी जो यानी कोई भी विदेशी इंसान अगर विजयनगर आता था वो हमेशा राजा कृष्णदेव राय की तारीफ किया करते थे। ठीक है, यानी उनके इतनी तारीफ किया करते थे कि उनके पास शब्द नहीं होते थे कि किस तरह से इनकी तारीफ की जाए। ठीक है, देर वेयर, और उस समय पे कृष्णदेव राय ने जो है विजयनगर में बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे और किले भी बनवाए थे, और इस राज्य को जो है पूरी तरह से तबाह, यानी ये राज्य पूरी तरह से तबाह कब हुआ, जब यहाँ पे एक बैटल हुआ यानी युद्ध हुआ
जो कहाँ पे हुआ था तो तालीकोटा का, ठीक है, यानी तालीकोटा में जो युद्ध हुआ था उसके वजह से विजयनगर का राज्य जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका था, यानी पूरी तरह से तबाह हो चुका था, ठीक है। अब ब्राह्मणी सुल्तानेट की बात करेंगे तो आमिर इन द डेक्कन रिबेल हेसेंस ऑफ वन ऑफ द इफिशियंट आमिर बिकम द सुल्तान एंड, तो देखो आमिर की बात करेंगे, आमिर समाज वाले जो डेक्कन, उन लोगों ने जो है आवाज़ उठाई थी और उनका एक इफिशियंट आमिर था जिसका नाम था हसन, जो सुल्तान बनना चाहता था, ठीक है, और सुल्तान बन भी गया था ब्राह्मणी सुल्तानेट का, ठीक है, और उसने ब्राह्मणी सुल्तान की शुरुआत, सुल्तानेट की यानी सल्तनत की शुरुआत की थी। और मोहम्मद गवन वॉज ए कैपिकल मिनिस्टर, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हसन जो है वो राजा बना था और उसने जो है एक सल्तनत की शुरुआत की थी जिसका नाम था बहमनी, और मोहम्मद गवन जो थे वो उसके एक मिनिस्टर थे जो बहुत ही अच्छी तरह से राज्य को चला सकते थे, और उनके देखरेख में जो है हसन ने बहुत सारे राज्य को जो है जीत चुके थे और उन्होंने ब्राह्मणी राज्य को पूरी तरह से बढ़ा चुके थे, ठीक है, यानी जो राज्य पहले था यानी ब्राह्मणी सल्तनत जितनी थी उससे ज़्यादा वो बढ़ चुकी थी क्योंकि हसन ने बहुत सारे युद्ध जीते थे और बहुत सारी जगह जो है अपने कब्जे में उन्होंने कर लिए थे। द पावर ऑफ ब्राह्मणी सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ, तो देखो जो ब्राह्मणी सल्तनत थी वो पूरी तरह से कमज़ोर कब हुई, जब हसन की डेथ हो गई, ठीक, और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे किसके बीच में, विजयनगर और ब्राह्मणी राज्य के बीच में, और आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ ब्राह्मणी सल्तनत मैनी ऑफ द प्रोविंस बिकम इंडिपेंडेंस अमोंग दिस, और जैसे ही ब्राह्मणी सल्तनत का खात्मा हुआ उसके बाद बहुत सारे राज्य जो उसके अंडर थे वो अलग हो गए, ठीक है, और अब वो इंडिपेंडेंस जो है जी पा रहे थे, यानी खुल के जी पा रहे थे क्योंकि ब्राह्मणी सल्तनत जब तक थी तब तक बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो दब के जी रहे थे, ठीक है, और ये पांच प्रोविंस जो है वो पूरी तरह से अलग हुई ब्राह्मणी सल्तनत से, जो थी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिरार और बिधार, ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट अब किंगडम हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो देखो दिल्ली सल्तनत की खात्मा कब हुआ, ठीक है, तो फिरोजा शाह तकलब एसेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तकलब, तो हमने बात की थी जैसे गियासुद्दीन के बाद मोहम्मद तकलब आया था और मोहम्मद तकलब के बाद कौन आया था, फिरोज शाह, तो फिरोज शाह जो है मुंबई में उस समय पर राज कर रहे थे और उसके टाइम पे जो है दिल्ली सुल्तानात बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। द रीजन ऑफ द तकलब डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेशन एंड प्लंडर्स ऑफ दिल्ली बाय तीमूर, द गवर्नर ऑफ लाहौर पिजरा खान टूक एडवांटेज ऑफ द चोज एंड एस्टाब्लिश द सैयद डायनेस्टी, ठीक है, और उस समय पे जो है दिल्ली का राज्य बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और तकलब समाज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण जो है लाहौर का जो गवर्नर था जिसका नाम था कजीरा खान उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसके बाद उसने सैयद समाज की शुरुआत की दिल्ली में, ठीक है, और द अथॉरिटी ऑफ दिस सुल्तान वॉज लिमिटेड टू द रीजन्स अराउंड दिल्ली, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये सुल्तान लोग जो है अब कम होने लगे थे और 1451 में अफगान लीडर जो सरदार बलोल उन्होंने लोड़ी समाज का भी शुरुआत की थी अफगान लीडर जिसका नाम था बलोल उसका एक लड़का भी था जिसका नाम था सिकंदर लोदी और उसने उसके बाद वो राज्य को संभाला था और सिकंदर के पास ये ऐसी क्वालिटी थी जिससे वो अच्छी तरह राज्य को चला सकता था और मगर उसमें जो है रिलीजियस टॉलरेंस बहुत था, ठीक है, यानी रिलीजियस को वो ज़्यादा मान नहीं देता था। ये स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगेंस आफ्टर हिज डेथ एंड इन विच इब्राहिम लोदी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली, और उसके बाद सिकंदर की डेथ के बाद जो है इब्राहिम की जो है यहाँ पे युद्ध हुई थी। अब देखो उसके बाद जो है आमिर जो है वो अपने भाई को हराने के बाद उस राज्य यानी दिल्ली के राज्य को जो है अपने हाथ में ले लेता है और फिर वहाँ पे आमिर जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते और फिर उसके एरोगेंट एटीट्यूड के वजह से जो है पूरी तरह से जो है दिल्ली का जो सुल्तान राज्य था सल्तनत था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, ठीक है। फिर वॉज द रिवल्शन इन द किंगडम अगेंस्ट रू एंड बाबर द एम्परर ऑफ काबुल इन्वेंटेड दिल्ली एट दिस टाइम, और उसके बाद जो है कौन आया तो काबुल का जो राजा था जिसका नाम था बाबर और यहाँ से मुगल लोगों की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और उसने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में 1526 को और उसके बाद जो है मुगल एम्पायर पूरी तरह से स्टार्ट हुआ और मुगल एम्पायर जो है लगभग यानी मुगल लोगों का राज जो है लगभग 200 साल तक दिल्ली पे रहा, ठीक है। तो हमने देखा कि सुल्तान लोगों का राज्य किस तरह से ख़त्म हुआ और उसके बाद कौन आया तो मुग़ल लोग और मुग़ल के बारे में हमको पता ही है बाबर, जहांगीर, अकबर,
ठीक है, इसके बारे में हमको पता है। शाहजहां, ये सब चीज़ें जो है मुगल लोगों के राजा थे, यानी ये लोग जो थे मुगल लोगों के राजा थे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली का सुल्तान राज्य जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर लिखी है उसे तुम्हें वन टाइम अपनी नोट में लिख लेना है। थैंक यू।